अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। इस वक्त हम राजधानी दिल्ली में हैं। आपको बता दें कि यह वही दिल्ली है जो पूरे देश में कानून लागू करती है, यह वही दिल्ली है जो पूरे देश को संसाधन देती है। आज हम राजधानी में उन समस्याओं पर चर्चा करेंगे जो बेहद बेसिक है। आपको बता दें, दिल्ली में केजरीवाल सरकार है। केजरीवाल ने 200 यूनिट बिजली फ्री क्या दी कि दिल्ली के ऊपर राज भी करने लगे। लोगों ने सिर माथे पर लिया और उन्हें दिल्ली सरकार में काबिज कर दिया। आपको बता दें कि जहां दिल्ली में काबिज हुए तो वहीं पंजाब में भी 300 यूनिट देकर और महिलाओं को 1000 रुपए का पेंशन देकर वहां भी सरकार बनाने में कामयाब रहे हैं। बता दें कि दिल्ली में महिलाओं को DTC बस में फ्री सर्विस है। यहां गौर करने की बात है कि आज जरूरतमंद जहां 50% महिलाएं हैं, तो वहीं 50% ऐसी महिलाएं भी हैं जो हाथों में 25,000 का स्मार्टफोन और 5,000 का एक डिजाइनर बैग लेकर DTC में फ्री सेवा का आनंद लेती है। बात यहां सिर्फ और इतनी सी है कि अगर कोई जरूरतमंद है तो उन तक वो समस्याओं का समाधान क्यों नहीं होता, और क्या वजह है कि सरकार गरीबों की सुनने की बजाय सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकती है। आज हमारे साथ कुछ बुजुर्ग लोग हैं और हम इसी पर सवाल उठाएंगे, एक बार फिर से चुपता सवाल करेंगे अपने केंद्र सरकार से, अपने दिल्ली के सरकार से, कि क्या इनका बूढ़ा होना दोष है या फिर इनकी मजबूरियां इन्हें जीने का अधिकार छीन लेती है। वजह क्या है, वजह की सच्चाई जानना बेहद जरूरी है। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग लोग हैं बेहद, और इनकी परेशानी क्या है वो हम जानेंगे कि आखिर किस कदर ये परेशान है और किस कदर सरकार से सिर्फ इतनी सी उम्मीदें रखते हैं कि सरकार की जो योजनाएं हैं उसका लाभ इनको मिल सके। ये कुछ नया नहीं मांग रहे हैं, ये मांग रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने लिए वह अदद पेंशन जो बंद कर दिया गया है। माता जी, क्या नाम है आपका? सुषमा खातून। क्या परेशानी है आपको? मेरे को परेशानी यही है कि मतलब हम बेसहारा आदमी हैं। अच्छा, बेसहारा हैं? हाँ। अच्छा, आमदनी का कोई जरिया आपके पास नहीं है? कोई नहीं है। कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं। तो सरकार के पेंशन पे निर्भर थे? हाँ। और अब बंद हो गया तो क्या हो गया? नहीं बनना, बंद भी नहीं किया। 4-5 साल से दौड़ा दौड़ी करते करते थक गए। अच्छा, बाबा क्या नाम हुआ आपका? अकील अहमद। अकील अहमद, अहमद जी ये बताइए क्या परेशानी हो रही है आपको? परेशानी अब कुछ नहीं है। कुछ नहीं है? नहीं। अच्छा, बाल बच्चे हैं आपको? बाल बच्चे? हाँ। वो नहीं खिलाते हैं? खिलाते हैं। अच्छा, आँख से भी आप अपंग है? हाँ। अच्छा, तो ज्यादा परेशानी हो रही है। अच्छा, चलिए, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश शर्मा। क्या परेशानी है? परेशानी ये है, अब हाथ पैर चलते नहीं है, उम्र काफी हो गई और फिर पैसे मिल रहे नहीं कहीं से, वो फिर क्या करे जाए। खाना पीने की परेशानी। क्या मांग रख रहे हैं आप? पेंशन की मांग रहे हैं कि पेंशन मिल जाए तो अच्छा रहे। बाबा क्या बताएंगे आप? बताइए क्या क्या, पेंशन हमारी आज तक नहीं बनी है और खर्चे में दिक्कत आ रही है, और क्या, यही है परेशानी है। परेशानी परेशानी है। सरकार से क्या मांग रहे हैं, अपने विधायक जी से क्या मांग रहे हैं? मांग ये भाई, हमारी पेंशन बन जाए, थोड़ा सा सहारा हो जाएगा हमारे लिए जीने का। जीने का सहारा हो जाएगा। मांग सिर्फ इतनी है कि इस उम्र में अगर सरकार की योजनाओं से एक बूंद पानी इनके पास भी पहुंच जाए तो शायद इनकी प्यास बुझ जाए। हमारे साथ एक और माता जी हैं, इनके बारे में भी जानेंगे। क्या नाम हुआ माता जी? रुक्मीना देवी। अच्छा, क्या परेशानी हो रही है? परेशानी ये बजे आदमी के हमारे पाला ऐसी मार देले बटे, बेटा बाल होता अपना अपना के बाल। अच्छा, बाल बच्चा अपना अपना देखता है? हाँ। सरकार का पेंशन मिल जाता तो थोड़ा हेल्प मिल जाता आपको? हाँ। अच्छा, दिल्ली सरकार इतना मदद कर रही है तो इसमें आपको पेंशन रोक दिया? हाँ, आदमी के पाला ऐसी मार देगा 3। हमारे साथ कुछ ऐसे भी जरूरतमंद लोग हैं जो पैरालिसिस के शिकार हैं और वे चल फिर नहीं सकते, और ऐसे लोग जो चल फिर नहीं सकते वो यहाँ नहीं आ सकते हैं। समाज सेवी मोहिंदर सिंह है हमारे साथ, आइए इधर। मोहिंदर सिंह जी के माध्यम से एक फुटेज हमारे सामने आई थी जिसमें एक महिला
खूब फूट फूट कर रो रही थी। कौन थी वो महिला? आप ही रो रही थी सिर्फ इसलिए कि एक आदत पेंशन के लिए? यही वो महिला है जो फूट फूट कर रो रही थी कि एक आदत उन्हें पेंशन मिल जाए, जरूरत के लिए थोड़ी सी सुविधा मिल जाए। समाज सेवी मोहिंदर सिंह जी, आप ये बताएं कि आप समाज सेवा भी कर रहे हैं और अब तो शायद राजनीति में भी उतर रहे हैं, बहरहाल आपको इनकी परेशानियों की सुधि कैसे मिली? देखिए जी, यहाँ पे बहुत से लोग आते हैं। अभी मैंने राशन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड के लिए कैंप लगाया था, तो उसमें काफ़ी लोग ऐसे भी आते हैं, पूछते हैं जी आपके यहाँ पेंशन भी बनती है? तो ये माता जी सुबह सुबह मेरे पास आई और इनको देखा नहीं गया मेरे से, तो मुझे लगा कि इसको ज़रूर आप सब लोगों को बताना चाहिए इस चीज़ के बारे में। तो मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा अनुभवी आँखों का कि उन्होंने इस समस्या को समझा और आज हमारा साथ देने के लिए यहाँ पर आए हैं। इनके माध्यम से मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि आज ये बुज़ुर्ग हैं और अपने हक़ के लिए लाचार हो रखे हैं। जो इनका हक है, जो इन्हें मिलना चाहिए, सरकार ने उसके लिए लाचार कर रखा है। कल को हमारे सामने भी ये समस्याएं आने वाली हैं और ऐसी समस्याओं का अगर आज ही निराकरण नहीं किया गया, अगर इन समस्याओं को आज ही नहीं समझा गया, अगर आज आप इनके लिए खड़े नहीं होंगे, तो कल को सभी अकेले होंगे और सभी अकेले पड़ जाएंगे। निश्चित ही समस्याएं हैं तो समाधान भी होनी चाहिए। देख लीजिए, सरकार आपको कहेंगे कि इनकी जरा सुधि लीजिए, इनका पेंशन एक बार फिर से चालू कराइए। आखिरकार एक आदत पेंशन की ही तो मांग है। गरीब हैं, अपंग हैं और जरूरत है इनको। आप उन लोगों को डीटीसी में सेवा फ्री कर रहे हैं जिन्हें आवश्यकता नहीं, जो 25 से 50,000 के स्मार्टफोन के साथ घूमते हैं उनके लिए बसों में किराया माफ है, लेकिन ऐसे बुजुर्ग जिनकी जरूरत है 1,000-2,000 रुपए का पेंशन, उसे बंद कर देने से कौन सी समझदारी है? वोटों की राजनीति इस समय नहीं हो रही है, वरना इस समय भी एक चाशनी में लपेट कर वादे जरूर किए जाते कि इस बार वोट दो, हम पेंशन फिर से चालू कर देंगे। इस समय दिल्ली में चुनाव दूर है, जी हाँ, लेकिन MCD चुनाव बेहद करीब है। उम्मीद जगती है कि सरकार शायद जाग जाए, चाहे वो केंद्र की हो या राज्य की, जागे और जागकर इन बुजुर्गों की सुने, इनकी जो बेसिक समस्याएं हैं उसका समाधान ढूंढे, ईमानदारी से ढूंढे। पंजाब में अगर 300 यूनिट फ्री की जा सकती है, 1,000 रुपये महिलाओं को, जरूरतमंद हो या ना हो, सिर्फ महिला होने का प्रमाण पत्र है तो उन्हें दिया जा सकता है पेंशन, तो ऐसे जरूरतमंद बुजुर्गों को केजरीवाल सरकार क्यों नहीं दे सकती? सवाल है तो जवाब भी ढूंढेंगे और पूछेंगे सवाल सरकार से कि आखिर इनकी उम्मीदों पर खरा आप कब उतरेंगे। आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अनुभवी आंखें, देश की बात सच के साथ। जय हिंद। आप अपने भरोसेमंद चैनल को पहले सब्सक्राइब कर चुके थे, लेकिन एक बार फिर से यह नए अंदाज में है, इसलिए फिर से आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। खबर देखने से पहले सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें। आपसे अनुरोध है यह।